हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फैक्टराइज करना है। तो इसका देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे अभी हम। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12ab² प्लस 6ab². इससे पहले जो हमने 7th क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमने क्या किया था, a प्लस b की होल क्यूब आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया था। a प्लस b की होल क्यूब बोल दीजिए या फिर x प्लस y की होल क्यूब बोल दीजिए, ए की बात है वहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, ए प्लस बी की होल क्यूब करके यहाँ पे सोल्व कर दिया गया है। अभी आपको किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है इस क्वेश्चन को, ए प्लस बी की होल क्यूब के अंदर आपको इसको चेंज करना है। तो पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या होती है आइडेंटिटी हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab². अभी देखिए जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म इस फॉर्म के अंदर गिवन है हमें, और इस फॉर्म से हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को चेंज करना है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें क्या करना है, ये फॉर्म लेके आनी है, मतलब हमें a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और b की जरूरत पड़ेगी। तो a और b को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 8a का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, और जो यहाँ पे 2a है, ये 2a क्या हमारा a है, इसका पूरे का क्यूब है तो इसका भी क्या है हमारा क्यूब है, प्लस b³, और b हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे b ही है तो हम लिखेंगे b का क्यूब प्लस 3a². अब a देखिए हमने कितना लिया है यहाँ पे 2a का स्क्वेयर, और b क्या हमारे पास b है, b प्लस 3a, कितना है हमारे पास यहाँ पे 2a, और b कितना है यहाँ पे b का स्क्वेयर। अब देखिए हमें यहाँ पे a पता चल गया है 2a है, और b पता चल गया हमें, और a और b को हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब। तो लिख लीजिए a कितना है आपके पास यहाँ पे सोल्व करने के बाद 2a, और b कितना है आपके पास b है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है क्या था, हमें बस a और b की यहाँ से वैल्यू निकालनी थी और वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो अब रख दीजिए इसको, a किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, b किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और पूरे का क्या है होल क्यूब, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे माइनस साइन नजर आ रहा है और यहाँ पे भी आपको माइनस साइन नजर आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट सोल्व किया हमें कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं था, इसलिए वहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की थी, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो लिखिए आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab². ये आइडेंटिटी है हमारे पास, और इस फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, और हमें इस फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, a माइनस बी की होल क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है। अगर यहाँ से हम a पता लगा लें, यहाँ से हम b पता लगा लें, और उसको हम क्या ले सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। तो कीजिए इसको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा 2a का होल क्यूब, और 2a क्या है यहाँ पे हमारे पास a है, माइनस b क्या है हमारे पास b है, b का क्यूब माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 12a² को इसको हम लिख सकते हैं 3a² a क्या हमारे पास 2a है, उसका हमें क्या लेना है, स्क्वेयर लेना है, और b क्या हमारे पास b ही है, प्लस 3a कितना है हमारे पास 2a, और b कितना है हमारे पास b, b का स्क्वेयर। अभी यहाँ से हमें a पता चल गया है और b पता चल गया है, लिख लीजिए a क्या आया आपके पास, a आया है 2a, और b कितना आपके पास b, इसको इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे लिखे हम, a माइनस b का होल क्यूब, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो क्या किया आपने इसके अंदर, इस फॉर्म को आपने किस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, इसकी जो सिंपल फॉर्म है उसके अंदर आपने इसको चेंज कर दिया। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी, 3 times लिखा जाएगा इसको, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। यहाँ से देखिए थर्ड पार्ट 8th क्वेश्चन का, इसमें भी आपको क्या करना है, a और जो b की आइडेंटिटी है क्यूब की आइडेंटिटी उसके अंदर आपको चेंज करना है।
माइनस का साइन देखते ही आप समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करते, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी करेंगे, अभी हम माइनस साइन होने की वजह से a माइनस बी का होल क्यूब। और क्या है ये आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर आइडेंटिटी है ये इस फॉर्म के अंदर। ये क्वेश्चन गिवन है हमें और हमें इस फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, इस फॉर्म के अंदर। और इस फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए और बी का पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे हम, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब, क्योंकि 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा आपके पास 27। तो ये 3 क्या है हमारे पास, a है, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, 27 को a क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है, वो कर दिया हमने। और b क्यूब लेके आना आपको, आपके पास है 125 a क्यूब है, तो आपको इसको b क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, उसके बाद माइनस 3 a स्क्वेयर, a कितना हमारे पास 3 का स्क्वेयर, और b कितना हमारे पास यहाँ पे 5a प्लस 3, ए कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है और बी कितना हमारे पास यहाँ पे 5a, और उसका भी हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ले लिया हमने स्क्वायर। अभी यहाँ से हमें किसका पता लगाना था, a का और b का, वो हम कर चुके हैं। तो a देखिए क्या है आपके पास यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3, ये a है और ये क्या है आपका b, b इज इक्वल टू 5a। आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए इसको हम, तो a क्या है आपके पास 3 माइनस b कितना है 5a, और इसका क्या है आपका क्यूब। इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट चेक कीजिए क्या है, यहाँ पे भी आप अब तो खुद बता सकते हो ना कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, माइनस या प्लस, माइनस लिख लीजिए आइडेंटिटी को दोबारा। और जितने टाइम्स आप आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपके लिए फायदा है, आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो जाएंगी। a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। आइडेंटिटी इस फॉर्म के अंदर है हमारी और हमें इससे किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, इसको a माइनस बी की होल क्यूब के अंदर। a पता लगा ले हम यहाँ से और b पता लगा ले और फिर उसको हम क्यूब के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखिए हम a कैसे लिख सकते हैं, 64a क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4a को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 64a का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, और 4a के आपके पास a है और इसका हमें क्या लेना है, क्यूब लेना, ले लिया हमने, माइनस b का क्यूब। अब देखिए ये है हमारे पास b का क्यूब, लेकिन हमें यहाँ से b अलग करना है और उसका क्यूब बताना क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27b को 3b का होल क्यूब, क्योंकि अगर इसको सोल्व किया जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, माइनस 27b का क्यूब माइनस, उसके बाद 3 a स्क्वेयर, a क्या हमारे पास 4a का स्क्वेयर, और b क्या हमारे पास 3b प्लस 3a कितना हमारे पास 4a और b कितना हमारे पास 3b का स्क्वेयर। अब उसके बाद a लिख लीजिए क्या है आपका, a है आपके पास कितना 4a और b कितना आपके पास, ये है आपके पास 3b। आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर दिए 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये है आपका आंसर ये 8 क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे भी आपकी सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी जो इससे पहले क्वेश्चन में की हमने, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। ए और बी फाइंड आउट करने हैं और इस फॉर्म के अंदर उसको चेंज करना है। कीजिए इसको सोल्व, यहाँ से 27p क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3p की होल क्यूब माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया, b की क्यूब, b के क्यूब क्या है हमारे पास 1/216, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। अगर 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 216 आ जाएगा हमारे पास, माइनस
ये 3, ए स्क्वेयर, ए क्या आपके पास 3p, 3p का स्क्वेयर, और बी कितना आपके पास 1/6, 1/6 लिख दिया हमने ये। इसके बाद क्या है आपका प्लस 3, ए कितना आपका 3p है, और बी का स्क्वेयर लेना है आपको, बी कितना आपका 1/6 का होल स्क्वेयर। अभी आप यहां से ए लिख लीजिए क्या आया है और बी लिख लीजिए, ए क्या है आपके पास 3p और बी क्या आया आपके पास 1/6। आइडेंटिटी के फॉर्म दे दीजिए इसको अभी, 3p-1/6 का होल क्यूब, और इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स लिख सकते हो, 3p-1/6, 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 ये है आपका आंसर। देखिए आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब आपको चेक करना है कि जो आपकी ये साइड है क्या वो इस साइड के इक्वल है या नहीं है। सेम इसके सेकंड पार्ट में आपको जो ये साइड है इस साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। जो आपकी ये साइड है एक्स के क्यूब प्लस वाई के क्यूब, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपकी ये साइड है इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं इसको, राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम पूरे से कर सकते हैं और प्लस वाई की मल्टीप्लिकेशन भी पूरे से की जा सकती है। तो कीजिए इसको सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लिया हमने, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इस पूरे के साथ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। उसके बाद प्लस वाई है ये लिख लिया हमने, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पूरे के साथ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स और एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, एक्स का क्यूब, एक्स की एक्स वाई के साथ, ये माइनस वाला साइन ये लगा दिया मैंने, एक्स की एक्स से की तो एक्स का स्क्वेयर, और वाई से की तो वाई, प्लस एक्स वाई की स्क्वेयर से मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई का स्क्वेयर। उसके बाद ये प्लस साइन है ये लिख लिया हमने, वाई एक्स स्क्वेयर। अब देखिए जो ये वाई एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर वाई है, ये आपका है एक्स स्क्वेयर वाई, मतलब तो वही है जैसे कि मैं 5 × 3 लिख दूं 15 आएगा, और 3 × 5 लिख दूं ये भी क्या आएगा आपका 15, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। इसको एक बार आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ठीक है, इसको पीछे लिख दिया तो इसको आगे लिख दिया, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा ना हमारे पास 15, तो आगे क्योंकि इसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको, तब आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये एक्स स्क्वेयर वाई लिखा जाए या वाई एक्स स्क्वेयर लिखा जाए, बात हमारी वहां पे बराबर ही है। प्लस माइनस, माइनस वाई की एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई का स्क्वेयर, प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, y की y स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन के बाद y का क्यूब। अब चेक कीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हमारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आपका माइनस का है, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया हमने। बचा क्या है हमारे पास, एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब लिख दिया हमने, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, और हमें करना क्या था, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी एक्स क्यूब वाई की क्यूब, और राइट हैंड साइड भी क्या है इसको सोल्व करने के बाद, एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब। तो वेरीफाई हो चुका है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अभी इसको सेकेंड पार्ट करेंगे हम, उसमें भी क्या करना है आपको, सेम वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे भी एक्स की मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ की जाएगी, वाई की मल्टीप्लिकेशन भी इस पूरे के साथ की जाएगी, तो लिख लीजिए एक्स की एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस वाई की मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज रखी है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। अब इसको सोल्व कर लीजिए क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, एक्स की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, एक्स का क्यूब, प्लस का साइन ये लगा दिया हमने, एक्स की एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस साइन ये लगा दिया हमने, एक्स की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई का स्क्वायर, माइनस वाई की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, वाई एक्स स्क्वायर। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या होगा, हमारा अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और वाई की मल्टीप्लिकेशन अगर एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर,
माइनस साइन है, प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में वाई की मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वेयर के साथ क्या हो जाएगा आपका वाई का क्यूब। अब चेक कीजिए आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर वाई और दूसरा आपका ये है एक्स स्क्वेयर वाई, ये और ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। दूसरा चेक कीजिए एक्स वाई स्क्वेयर और यहाँ पे भी क्या है आपका एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, इसको भी हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास राइट साइड में भी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, यही बचा है हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, सॉरी एक्स की क्यूब माइनस है यहाँ पे, हाँ ये माइनस था ना आपका, माइनस बचा आपका एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, और था क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड में यही था ना एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना था इसमें आपको बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इसके अंदर भी क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन आपको फैक्टराइज करने से पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन के नीचे ही गिवन है आपको कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपने 9 क्वेश्चन यूज किया है उसी क्वेश्चन की आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है जिसमें आपने वेरीफाई किया है। तो क्या था हमारे पास 9 क्वेश्चन में, हमारे पास था एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब था और एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब था, तो पहले प्लस है तो प्लस वाला चेक करते हैं हम, x की क्यूब प्लस y की क्यूब किसके इक्वल था वहां पे x प्लस y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। ये क्या किया था अभी हमने, जो हमारा 9 क्वेश्चन था उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई किया था, और इस क्वेश्चन में आपको सेम यही आइडेंटिटी यूज करनी है। इन्होंने हिंट भी गिवन है आपको कि जो 9 क्वेश्चन है उसी की आइडेंटिटी आप चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमारे पास जो ये फॉर्म है क्वेश्चन की उसको हमें एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब की फॉर्म के अंदर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, एक्स लेके आना पड़ेगा हमें वाई लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास है 27y का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल क्यूब, क्योंकि अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 27y का क्यूब आ जाएगा, प्लस साइन है प्लस। अभी हमें लेके आना है यहाँ से y का क्यूब लेके आना है, तो इसको y के क्यूब के फॉर्म में कैसे चेंज करें हम, इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ये हमारे पास क्या है x है और ये हमारे पास क्या है y है, मैं हिंट के लिए लिख देती हूँ आपका, ये x आ गया आपके पास और ये क्या आ गया आपके पास y आ गया आपके पास। आपने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया है इसको, अब आप इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए x प्लस वाई, एक्स आपको पता है कितना आपके पास x 3y, y कितना आपके पास 5z, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है एक्स स्क्वेयर, एक्स कितना आपके पास 3y, लेकिन इसका हमें क्या लेना है स्क्वेयर लेना है, माइनस एक्स वाई, एक्स कितना आपके पास 3y और जेड कितना आपके पास 5z, उसके बाद आपका प्लस ये वाला वाई का स्क्वेयर, वाई कितना आपके पास 5z और इसका हमें क्या लेना है स्क्वेयर लेना है। ठीक है अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z, इसको हम क्या लिखेंगे 3y के स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं 9y का स्क्वेयर, 3 इंटू 3 क्या होगा आपका 9, माइनस 3 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 15, y और z मल्टीप्लीकेशन के पास क्या लिखा जाएगा yz, प्लस ये लगा दिया हमने 5z का स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25z स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आपको क्या करना था x की क्यूब और y की क्यूब के अंदर इसको चेंज करना था, मतलब आपको x और y निकालना था यहाँ से, फिर जो आइडेंटिटी आपने 9th क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज़ की है वही आपको सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, बस जो x और y की वैल्यू आपने पता लगाई है यहाँ से वो वैल्यूज़ आपको रखनी है और मल्टीप्लीकेशन में जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको सोल्व करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है आपका माइनस साइन, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होगा आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर।
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 64m³ को आपको x³ की फॉर्म के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 64m³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 64। तो इसको हम लिख पाएंगे यहाँ से, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, 4m³ माइनस ये वाला माइनस वाई का क्यूब। अब इसको हमें किसकी फॉर्म के अंदर चेंज करना है, वाई की क्यूब की फॉर्म के अंदर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 और ये क्या हमारे पास n है, n का होल क्यूब। ये हमने क्या पता लगा लिया यहाँ से, 4m क्या हमारे पास x आ गया है और जो 11n है ये क्या आ गया हमारे पास y आ गया है, x आ गया है y आ गया है। सिंपली अभी क्या करना है, आइडेंटिटी में इसको रखना है। तो रख लीजिए x माइनस वाई, एक्स कितना आपके पास 4m, माइनस वाई कितना आपके पास 11n। उसके बाद है एक्स स्क्वेयर, एक्स कितना आपके पास 4m का स्क्वेयर, प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है आपके पास 4m और वाई कितना आपके पास 11n, प्लस वाई का स्क्वेयर और वाई कितना आपके पास 11n का क्या लेना है आपको, स्क्वेयर लेना है। रख दिया हमने, x की जगह x है, y की जगह आपका y है, एक्स स्क्वेयर ये है आपका, एक्स वाई ये है आपका और प्लस वाई स्क्वेयर आपका ये है y का स्क्वेयर। अब कर दीजिए इसको आगे सोल्व, मल्टीप्लाई जो करना है 4m माइनस 11n और ये क्या आपका 4m का स्क्वेयर। तो 4m इंटू 4m कितना हो जाएगा आपके पास 16m का स्क्वेयर। इसको क्या लिखेंगे हम, 16m का स्क्वेयर प्लस 4m और 11n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4m और 11n 44mn, 44mn। फिर ये प्लस ये लगा दिया हमने 11n का स्क्वायर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 121 और क्या लग जाएगा इसके साथ n का स्क्वायर। ये कर दिया हमने इस क्वेश्चन को सोल्व सिंपली, बस इसमें आपको जो नाइन्थ क्वेश्चन आपने सोल्व किया था वही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करने थे।